हरियाणा में टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारी डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सकते की हालत में हैं। धरने पर बैठे आंदोलनकारी अब मोदी सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि डीजल की इस बेतहाशा बढ़ती कीमतों के साथ खेती किसान कैसे कर पाएंगे। हिसार के मैयर टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे आंदोलनकारियों से खास बात की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। जो मांगा था वो मिला नहीं, जो दिया वो मंजूर नहीं, कुछ ऐसे ही बोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिसार के मैयर टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हिसार के हांसी में डीजल की कीमत 81.77 रुपए तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आंदोलनकारियों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 81.77 रुपए की कीमत पर डीजल को खरीद कर खेती आखिर कैसे हो सकती है। उनके ट्रैक्टर इतनी महंगी कीमत का डीजल अगर जलाएंगे तो खेती बेहद घाटे का सौदा साबित होगी और यही घाटा उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। मैयर टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारी डीजल की इसी महंगाई को लेकर बेहद चिंता की स्थिति का सामना कर रहे हैं। मुझे बताइए कि डीजल की कीमत 81.77 रुपए खेती कर पाएंगे? नहीं, इस महंगाई के में हम बिल्कुल भी खेती नहीं कर पाएंगे। ये जो सरकार से अब मांग रहे वो तो हमें दे नहीं रहे और हर दिन डीजल की कीमत बढ़ा रहे हैं। इस डीजल से हम एक घंटा भी इंजन और ट्रैक्टर नहीं चला सकते। इसी महंगाई से हमारी खेती की लागत तो ज्यादा बढ़ रही है और आमदनी कम हो रही है। ये बिल्कुल महंगाई कर रही गवर्नमेंट हमारे साथ, और जब MSP पर कानून मांगते वो नहीं दे रही, और जब तीनों कानून रद्द करवाना चाहते वो नहीं कर रही, और बदले में ये तेल और इसके पेट्रोल के डीजल बढ़ा रही है। 81.77 रुपए का डीजल खरीद कर खेती कर सकते हो क्या? नहीं, खेती किसान मजबूर कर दिए हैं सरकार को, जो हम मांगते हुए तो देते नहीं है। हर चीज गैस चूल्हे तो ले, डीजल तो ले, सब क्या है, महंगाई पर तो रहा है। किसान खाने किसे टेम भी नहीं देखता। किसान शांति से आंदोलन चला रहे हैं। हम महंगाई के बारे में भी आगे दिल्ली और भी बढ़ेंगे। कितने दिन चाहे 3 के 6 महीने भी लग जाओ, सब इस महंगाई के लिए भी और इस हमारे तीनों कानून वापिस के लिए भी पीछे नहीं हटेंगी। ये मातृ सत्ता में और भी शक्ति आती है। जितना जो मोदी लेट होते हैं उतना ही आंदोलन मजबूत करता है। उसको मोदी को सोचना चाहिए, और नहीं सोचेगा तो और धोखा खा लेगा। डीजल की महंगाई में किसान डूब रहा है और ऐसा मन करता सपरा पीपी की मर जाऊं या फांसी का लटक जावा है। महंगाई में तो कुछ काम होना नहीं है, सब कुछ चक्कर मजा रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, फिर बैठे हैं। इसलिए सुहांदे भी नहीं, हम तो शांतिपुर की ये करांगे, हमारे कानून वापस ले लो, MSP पर लागू। ये कानून वापस ले भी लिए तो इस कीमत पर डीजल को फूंक कर खेती कर पाओगे? नहीं जी, हम खेती नहीं कर पाऊंगे। किसान मोदी से ये कहो, आप कुछ भी कर लो, हम किसान नहीं उठेंगे। कितना गुमराह कर लो, 1 किलोमीटर चलेगा ट्रैक्टर 1 लीटर के लिए, तो न्यू बताओ। आप सरकार से ये विनती हमारी, ये तीनों कानून रद्द करो, डीजल को कितना बढ़ा लो, हम उठा लेंगे। हमारी परीक्षा है, कुछ भी कर लो, हम खेती को भी आग लगा देंगे, कुछ भी कर ले, जमींदार उठे हमारा मजबूत करेंगे हम। ये डीजल की महंगाई किसान की उम्मीद तोड़ देगी? ऐसे जी बिल्कुल उम्मीद तोड़ दी है जी। एक बार बताओ, डीजल की ओरिजिनल कॉस्ट बेस प्राइस 32 रुपये है, 50 रुपये करीब टैक्स लेने लग रही सरकार है, और देखो सारी जनता के आंख बंद कर रखे। मैं तो कहूंगा जी, मांगना जी हम MSP, और मोदी दे ला रहे हमने महंगाई। डीजल बढ़ा के मोदी जी ने सारे किसान मार दिए, एक भी किसान प्रॉफिट में नहीं आ सकता जी। डीजल कम से कम किसान को 30-32 रुपये मिले जब जाए काम चले, MSP हमने 2500 रुपये मिले जब जाए काम चले। डीजल की महंगाई से किसान सख्ते की हालत का सामना कर रहा है। आंदोलनकारी किसान दो टूकी बात कर रहे हैं कि इतनी महंगी कीमत के साथ डीजल को खरीद कर खेती नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही संदेश आंदोलनकारी पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।